गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग, मैं राम कुमार त्यागी बेटे, ई विद्या क्लासेज में आप सबका फिर दोबारा से स्वागत करते हैं बेटे। हाँ नमस्ते सभी के लिए। हाँ गुड इवनिंग मेरी ओर से आपके लिए सबको स्क्वायर में, राइट। हाँ स्क्वायर में बेटे, ठीक है। मैं तो मैथमेटिक्स का हूँ ना, तो आपको स्क्वायर में ही बोलूँगा। गुड इवनिंग। हाँ स्क्वायर में, क्यूब में बोलूँगा बेटे, ठीक है। आज फिर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके चलेंगे बेटे, समरूपता पर संबंधित होंगे। सिमिलर ट्रायंगल जो होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल तो जानते ही होंगे आप, सेम। हाँ जो सिमिलर होते हैं, यानी कि जिनकी साइड एंगल सेम से होते हैं बेटे, जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं, या तो साइड सेम हो एंगल सेम हो, तो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं बेटे। उनकी थ्योरम्स को आप देख लें थोड़ा सा। एक इंपॉर्टेंट थ्योरम मैं आपको आज करा देता हूँ, कल चूंकि टाइम कम था आज बता देते हैं बेटे, ठीक है। हाँ गुड इवनिंग दीपक राज, गुड इवनिंग बेटे। एक इम्पोर्टेंट थ्योरम लेते हैं बेटे आज हम आपके लिए। प्रूफ करना है, एक ट्रायंगल है बेटे ये हमारे पास, अभी आपको मालूम हो जाएगी कौन सी थ्योरम है, राइट। हाँ बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बार बोर्ड में आ चुकी बेटे। हाँ ये ए सी एक साइड, ये ए बी और ये डी बेटे, इसके पैरेलल ये है और इसके पैरेलल ये साइड है। दिस मीन्स एल, दिस सी एंड दिस एम और दिस एन। गिविन है हमारे पास ये बेटे, गिविन है। थ्योरम को लिखने के लिए थोड़ा सा आप ध्यान दें, ये तो फिगर हो गई इसकी। अब गिविन क्या है, दिया क्या है, हमें दे रखा है बेटे इन्होंने एल एम पैरेलल सी बी के और एल एन पैरेलल सी डी के, समांतर दे रखा है। और प्रूफ करना हमें बेटे, हाँ सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए एम अपॉन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, ए बी ए एन अपॉन ए डी, राइट। अब प्रूफ पे आ जाइए बेटे, प्रूफ करेंगे बेटे इसको, हम ध्यान से समझना जरा। हाँ इम्पोर्टेंट है बेटे, देखिए सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे बेटे, ये हम ए बी सी। हाँ बाकी थ्योरी किताब से मैं डायरेक्ट आपको प्रूफ करूंगा बेटे। ट्रायंगल ए बी सी में हम ए बी सी ट्रायंगल, देखिए नंदलाल पटेल गुड इवनिंग बेटे, गुड इवनिंग। हाँ देखें जरा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाद में बोलेंगे अब हम आपसे जब क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। देखिए हमें ये गिविन है एल एम और सी बी, एल एम और बी सी ये दोनों पैरेलल हैं, और एन एल और डी सी ये दोनों पैरेलल हैं, दोनों समांतर है ना। हाँ और हमें प्रूफ करना है ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ये प्रूफ करना है, ठीक। आ जाइए इधर, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में थ्योरम लगाएंगे बेटे हम, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। देखिए दोबारा, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, राइट। अब इसको उल्टा कर दीजिए बेटे, एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू एल सी अपॉन ए एल। हमने इसको क्या किया, चेंज कर दिया, अपोजिट कर दिया उल्टा, ठीक है। अब इसमें वन प्लस कर दीजिए, ए एम एम बी को बी एम भी लिख सकते हैं बेटे, हाँ बी एम अपॉन ए एम प्लस वन और एल सी अपॉन ए एल प्लस वन। हमने दोनों साइड क्या कर दिया, वन प्लस कर दिया। इसको लिख सकते हो आप बी एम प्लस ए एम अपॉन ए एम, राइट इज इक्वल टू एल सी प्लस ए एल अपॉन ए एल। हमने सबसे पहले थ्योरम लगाई सिमिलर ट्रायंगल वाली, दोनों की भुजाओं का अनुपात लिखा है, त्रिभुज की दोनों भुजाओं का अनुपात लिखा है ए एम अपॉन बी एम और ए एल अपॉन सी एल। उसके बाद हमने इनको उल्टा लिखा है,
फिर हमने वन जोड़ा है दोनों साइड, वन जोड़ने के बाद एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद अब देखो जरा फिगर में, बी एम प्लस ए एम कितना हुआ, बी एम यानी कि यहां से यहां तक प्लस ए एम, दिस मीन्स ए बी, तो हम इसके प्लेस पे लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू, अब इधर आ जाओ, ये है हमारे पास एल सी यानी कि एल और सी, सी से लेके एल तक और ए से लेके एल तक, यानी कि ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ए से लेके सी तक, दिस मीन्स ए सी अपॉन ए एल। अब इसको फिर उल्टा कर दीजिए, तो ये हुआ ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई हमारे पास, राइट। दोबारा देखिए बेटे, दोनों में सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, दोनों को उल्टा लिखा है, दोनों में वन प्लस किया है, लघुत्तम लिया एलसीएम इनमें हमने, एलसीएम लेने के बाद सोल्व करके जो हमारे पास आया सोचना उसका है, बी एम से लेके ए एम दोनों को प्लस किया तो ये ए बी के इक्वल, और सी एल और ए एल दोनों को प्लस किया तो ए से सी तक दोनों के स्थान पर लिख दिया, फिर हमने इन दोनों को उल्टा लिख दिया, राइट। आगे समझ में, अब उसके बाद हमें यही प्रॉपर्टी दोबारा दूसरे ट्रायंगल में लगाना है, ए डी सी में, ट्रायंगल ए डी सी में सेम यही प्रॉपर्टी लगाइए। देखिए ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी, दोबारा से सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाई। रितिक गुड इवनिंग बेटे, ए एन अपॉन एन डी ए एल अपॉन एल सी लिख दिया, अब इसको फिर उल्टा लिखिए, एन डी अपॉन ए एन और एल सी अपॉन ए एल, हमने फिर दोबारा से चेंज कर दिया, इनको उल्टा लिख दिया, अब इसमें फिर वन प्लस करिए, लिख लेना साथ साथ, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्लस वन इज इक्वल टू एल सी अपॉन ए एल प्लस वन, सोल्व करो, एन डी प्लस ए डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू एल सी प्लस ए एल अपॉन ए एल। अब देखो एन डी प्लस ए डी कितना हुआ, हाँ ऋतिक बाद में बात करेंगे बेटे, एन डी प्लस ए डी, देखो यहां पे एन डी प्लस ये हमारे पास कितना हुआ ए एन, सॉरी ये है ए एन बेटे, ए एन, ए एन कितना हुआ, देखो यहां पे ए एन प्लस एन डी दिस मीन्स ए डी, तो यहां पे हमने लिखेंगे इसके प्लेस पे कितना हुआ हमारे पास ए डी, ए डी अपॉन ए एन, हाँ अब इक्वल टू लिखो एल सी प्लस ए एल, वो भी यही है ए सी, दिस मीन्स ए सी अपॉन ए एल, अब इनको फिर उल्टा लिख दीजिए, ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, अब इन दोनों इक्वेशनों को इक्वल लिख दीजिए, बस ये करना हमें, तो दोनों का इक्वल करने पे क्या आएगा, ये रिजल्ट आएगा, तो हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, इधर लिख सकते हैं हम, हाँ दोनों इक्वेशन से फर्स्ट और सेकंड से, इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, तो हम लिखेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट है हमारे पास ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए एल अपॉन ए सी, यानी ए सी अपॉन ए एल, ये ए सी अपॉन ए एल, राइट। उसके बाद यहां पे हमारे पास दूसरी इक्वेशन ये है बेटे, तो यानी कि इक्वल भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, हाँ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से डायरेक्ट लिख दीजिए, बस मत बढ़ाओ काम, बाय फर्स्ट एंड सेकंड से डायरेक्ट लिख दीजिए, क्या गिवन है, ये रहा हमारे पास, तो ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, क्यों लिखा, इधर देखो ये हमारे पास और ये दोनों इक्वल है ना,
एल अपॉन ए सी और ए एल अपॉन ए सी, तो दोनों को सेम लिख दीजिए बेटे, ए एन अपॉन ए डी और ए एम अपॉन ए बी, यानी कि दोनों का रिजल्ट इक्वल लिख दिया, और यही हमें प्रूफ करना था बेटे। आंसर बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, याद कर ले बेटे। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, राइट, हाँ बहुत अच्छी थ्योरम है बेटे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नितिन वर्मा जी गुड इवनिंग बेटे, गुड इवनिंग। हाँ आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अगर समझ में ना आई होगी तो दोबारे से एक बार फिर बता देंगे बेटे। हाँ बाद में लास्ट के दिनों में जब आपको सुपर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे उसमें दोबारे करा देंगे बेटे, ठीक। आइए नेक्स्ट, अब फिर क्वेश्चनों पे चलते हैं जो इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन है उनको लेते हैं बेटे दोबारे से। क्वेश्चन कुछ आपके लिए भी दूंगा होमवर्क, कुछ मैं करूंगा बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ एक तरह से, फिर दोबारा ये कह रहा है कोई त्रिभुज है हमारे पास ए बी और सी, और ये कोई लाइन है डी ई, क्या है ये डी ई। हाँ गुड इवनिंग बेटे, गुड इवनिंग। त्रिभुज अब इन्होंने लिखा है, दिया है, क्या दिया है कि एक त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज ए बी सी और डी ई समांतर है किसके, बी सी के। डी ई समांतर किसके है बेटे ऋतिक, बी सी के। हाँ ए एन अपॉन एन डी, ठीक है बेटे, ए एन अपॉन ए डी, ओके बेटे, राइट, बहुत अच्छा। उसके बाद सिद्ध करना है हमें ये सब गिविन होता है बेटे, सिद्ध करना है ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ये सिद्ध करना है बेटे हमें इसमें, ठीक। थेल्स प्रमेय से हाँ प्रॉपर्टी लगाओ, प्रूफ प्रूफ करना है इसको। देखिए प्रॉपर्टी लगाइए, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी, बी डी लिख दो, डी बी लिख दो, कोई चेंज नहीं है। यादव जी हाँ, राम जी मिश्रा जी गुड इवनिंग बेटे, नमस्ते नमस्ते। अभी बात नहीं, बाद में करेंगे, क्वेश्चन जरा कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको चेंज कर दो बेटे, बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई, अब दोनों साइड में वन जोड़ दीजिए, बी डी अपॉन ए डी प्लस वन इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई प्लस वन। हमने क्या किया, पहले सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दी, थेल्स प्रमेय से अतुल राजपूत जी गुड इवनिंग बेटे। उसके बाद प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमने इनको चेंज कर दिया, फिर वन प्लस किया, वन प्लस करने के बाद क्या आया, बी डी प्लस ए डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी प्लस ए ई। हाँ गुड इवनिंग तो है, अभी बाद में बोलेंगे, जरा पढ़ लीजिए थोड़ी देर। नमस्ते, हाँ नमस्ते रविपाल, लवीपाल जी। दब देखिए बी डी प्लस ए डी कितना है, चित्र में देखो बी डी प्लस ए डी कितना है, बी डी प्लस ए डी इज इक्वल टू कितना हुआ ए बी के। हाँ लिख दिया करो साथ साथ, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी प्लस ए ई, देखिए ई सी प्लस ए ई यानी कि सी ई प्लस ई ए कह दो चाहे, ये प्लस ये इज इक्वल टू ए से लेके कहाँ तक सी तक, ए सी अपॉन ए ई। अब इसको भी उल्टा लिख दीजिए, या हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। देखो दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा दिए आपको, प्रूफ यही हमें प्रूफ करना था बेटे, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी बातें अपने आप लिखते हैं, थेल्स प्रमेय से, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से, ये थोड़ा सा अपने आप लिख लेते हैं बेटे। हाँ नितिन वर्मा, x इज इक्वल टू फोर कहाँ से आ रहे हो बेटे, ए सी अपॉन ए। दोबारा सुन लीजिए,
एक बार तो अगेन बता रहे हैं बेटे आपके लिए, है ना। हाँ इंपॉर्टेंट है बेटे, ठीक है। देखो सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी में, ये लिखेंगे ट्रायंगल कौन से में, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, क्या थेल्स प्रमेय लगाएंगे, साइडों का अनुपात इक्वल टू होता है अगर डी बी सी के समांतर हो तभी होगा ये, अगर डी रेखा बी सी के समांतर है तभी ये प्रॉपर्टी लगेगी, और ये गिवन है हमारे पास डी ई पैरेलल टू बी सी। विकास यादव जी ठीक है, गुड इवनिंग बेटे। क्यूब नहीं, हाँ मेरी तरफ से स्क्वायर में, ठीक है। ए डी, अब देखो डी ई समांतर है बी सी के, ये दिख रहा है ना। अब क्या करेंगे हम, इसमें सिद्ध करना है ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ये हमें प्रूफ करना है, राइट। हाँ बेटे अच्छी बात है, आपको लिखना आता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ अब त्रिभुज आ जाओ, सिद्ध जो हमें करना है प्रूफ जो है ए बी सी में, हमने थेल्स प्रमेय लगाई ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, राइट। हाँ बहुत अच्छे बात है बेटे, बहुत अच्छी बात बी पी टी। हाँ ए बी सी में ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी, हमने इनको उल्टा लिख दिया, चेंज कर दिया, चेंज करके वन प्लस किया, वन प्लस करके एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद देखेंगे हमारे पास क्या आया। नंदलाल जी बहुत अच्छी बात है, बी डी प्लस ए डी, बी डी और ए डी इज इक्वल टू ए बी डिस्टेंस आ गया। अब हमारे पास ए ई और ई सी है, ए ई प्लस ई सी इज इक्वल टू ए सी आ गया, ये लिख दिया सर, अपॉन ए डी और ए ई है, हमने इसको फिर उल्टा लिख दिया, चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ गया बेटे, जो प्रूफ करना था यही आपका आंसर है, राइट। हाँ अब दो क्वेश्चन आपके लिए भी हैं इंपॉर्टेंट, अब उन्हें आप करेंगे अपने आप, बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटे दोनों। हाँ प्रैक्टिस करना अच्छी तरह तभी समझ में आते हैं ये क्वेश्चन, जरा से याद करने के से होते हैं बेटे। हाँ इनको थोड़ा सा याद करते हैं तभी ये क्वेश्चन होंगे, अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन आपके याद होने वाले नहीं है। हाँ और चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, बाद में आपको होमवर्क देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आज का, क्या है, किसी त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में क्या एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल कौन सा 90 हुआ, सी, एंगल कौन सा 90 है, सी, ठीक है सर, और सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, तो कहता है सिद्ध करो क्या सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू ए डी। इंपॉर्टेंट है बेटे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिया यादव जी। हाँ सबसे पहले चित्र बनाइए, ये रहा आपका ट्रायंगल ए बी और सी, अब सी हमें 90 डिग्री भी है ये भी ध्यान देना, और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और डी कह रहा है ये कहता है सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी दिया है ना। हाँ ये हमें सब कुछ गिवन है बेटे, ये गिवन है, ये सब गिवन है, ये हमें प्रूफ करना, ठीक, ये सिद्ध करना है। अब हमें ट्रायंगल एबीसी मालूम हो गया, ये पता चल गया 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर है, और ये हमें पहले से ही पता है कि एंगल सी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ये गिवन है बेटे यहाँ पे हमें कि एंगल नंदलाल पटेल कितने का है, सी 90 का। अच्छी आज बड़ी जल्दी, अब आ जाइए आंसर पे, करिए त्रिभुज, ये इसका आंसर है बेटे, त्रिभुज कौन सा ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक, सी क्या है हमारे पास 90 डिग्री, सी एंगल 90 का, आगे चलिए, इसलिए त्रिभुज चूंकि ये 90 है और ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे क्या होंगे, सिमिलर होंगे, कौन कौन से ट्रायंगल सी ए डी
सिमिलर ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल बी सी डी। देखो ए डी सी या ए सी डी कह दीजिए, ए डी सी ए सी डी कुछ भी नाम बोल दीजिए, पर इन्हीं तीनों पे रहना है, सी ए डी और बी सी डी। बी सी डी दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर हैं, ठीक है? ठीक है सर, हाँ देखिए दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो ये हमारे पास हुआ ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, सी 90 डिग्री का है, ये 90 है, ये 90 है, सी एंगल 90 गिवन है हमें। अब सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दीजिए इसमें, बस सिमिलर ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? सी डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी। देखो अब ट्रायंगल में देखो जरा, हाँ वंश राठी जी समझो, इसमें कोई इंग्लिश और हिंदी इतनी नहीं है, ए बी सी डी को ए बी सी डी पढ़ते हैं ऋतिक जी। हाँ जी सर, अब आ जाओ सिमिलर ट्रायंगल हैं तो सिमिलर ट्रायंगल में समरूप त्रिभुजों में प्रॉपर्टी लगा दीजिए, कोई इतनी हार्ड नहीं है। अब यहाँ देखो सी डी, सी डी कहाँ हमारे पास? ये रहा अपॉन बी डी, ये रहा हमारे पास इज इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी। दोनों में प्रॉपर्टी लगाई, मल्टीप्लाई करिए, सी डी इंटू सी डी इज इक्वल टू बी डी इंटू ए डी, अर्थात सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू ए डी। और आंसर बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन है बेटे, इंपॉर्टेंट भी है। देखिए सबसे पहले सी 90 डिग्री का गिवन है, ऋतिक जी यस सर, हमने सी से परपेंडिकुलर डाला ए बी पर, ये भी हमें गिवन है, सी डी परपेंडिकुलर टू किस पर है? ए बी पर, यस। हाँ इतनी ज़्यादा बेटे हार्ड नहीं है, तो हिंदी और इंग्लिश एक ही बात होती है, मैथमेटिक्स में कोई ऐसा नहीं होता कि बहुत हिंदी और इंग्लिश का कोई इफेक्ट होता है, ए बी सी डी पढ़ने होते हैं, राइट। अब देखो प्रूफ ये करना है, सी एंगल हमारे पास 90 है, आंसर आपका ये है ही सॉल्यूशन आंसर। अब आपको चित्र बनाना है एक तो, और सी एंगल 90 हो गया, ये हमने परपेंडिकुलर डाला, ये और ये दोनों एंगल कितने के हैं? डी वाले 90, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दी, सी डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू सी डी है हमारे पास ए डी अपॉन सी डी, सी डी की मल्टीप्लाई करी सी डी स्क्वायर हो गया बी डी इंटू ए डी। सिंपल क्वेश्चन है बेटे, बहुत अच्छा सवाल है, हाँ लिखना आता है भाई आपको तो, बड़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे एक और, हाँ आपको लिखना आता है। अब आपके लिए दो क्वेश्चन होमवर्क, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। याद करना आ जाइए, ये क्वेश्चन आपके लिए बेटे एच डब्ल्यू इंपॉर्टेंट है, इसे कर लेना। ये कह रहा है एक चित्र है हमारे पास, ये है हमारे पास R, ये है P, ये S, बता दिए आपको क्वेश्चन दोनों इस टाइप के, ये Q है बेटे, ये इसके पैरेलल है और इसके समांतर ये है बेटे, ये है Q और ये हमारे पास B, ठीक, ये O, राइट, A मान लीजिए इसको, हाँ ये A है मान लीजिए, कोई बात नहीं, ये तो हम अपने पास है, तो हमें ये कह रहा है ओ ए समांतर है आर एस के और ओ बी समांतर है ओ बी आर क्यू के, ये दोनों समांतर है बेटे, तो ये कह रहा है प्रूफ करिए क्या पी क्यू अपॉन पी एस इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी ए, ये प्रूफ करना है बेटे। हाँ ये आपके लिए क्वेश्चन है, हाँ एल ए अपॉन ए एल, गुड बेटे गुड, हाँ बहुत अच्छी बात विकास यादव। अब आपको ये प्रूफ करना है अपने आप, एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है बेटे कि एक हमारे पास ट्रायंगल है, ये सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए और इसी पर बेस है बेटे जो अभी आपने किया है, ये डी, ये 90 का था पूरा एंगल सी, ठीक, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90
और सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, अभी किया ना ऐसा क्वेश्चन हमने, सेम यही प्रॉपर्टी लगेगी बेटे। तो आपको लिखना है, प्रूफ करना है, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, बता दीजिए। चलो अच्छा क्या आएगा, थ्योरम होती है, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? ऋतिक, रिया यादव, विकास यादव, बताइए, वंश राठी, हाँ बताओ इसको किसके इक्वल लिखने, प्रूफ करना है ये, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा, जल्दी बता दो, अच्छा लिख दीजिए। चलो हम ही लिख देते हैं, आप क्या लिखोगे, बी डी अपॉन ए डी, ये प्रूफ करना है बेटे, हाँ ठीक है, बी डी अपॉन ए डी, ये दो क्वेश्चन आपके लिए हैं, राइट। आगे चलिए, अब फिर एक क्वेश्चन हम करते हैं आपके लिए, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बेटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड के आए हुए ही क्वेश्चन है और सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पर है, राइट। यस सर, हाँ यस सर तो कर दिया करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फिर हम करेंगे, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए, क्या थ्योरम है बेटे ये भी, कि एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी भुजाएं सभी समांतर हैं आपस में और समान, की भुजाओं के वर्गों का योग, सबकी भुजाओं के, इसके चारों भुजाओं का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है वर्गों के, ये प्रूफ करना है हमें। ये हमारे पास ए, ये बी, ये सी, ये डी, राइट, और ये मान लीजिए ओ पॉइंट, ठीक है सर। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, चारों भुजाओं के वर्गों का योग इसके दोनों विकर्णों के योग के बराबर होगा, ये प्रूफ करना। गुड इवनिंग बेटे, हाँ नमस्ते बेटे। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल, थोड़ा बड़ा सवाल है, बाद में बात करेंगे। ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी, दोनों विकर्ण है ये दोनों विकर्ण है। अब इसके लिए एक सूत्र होता है बेटे, क्या ध्यान देना, ए बी इज इक्वल टू समचतुर्भुज की भुजा, क्या होती है, समचतुर्भुज की भुजा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटे, वन अपॉन टू अंडर रूट दोनों विकर्णों के वर्गों का योग, तो ये लिखेंगे ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ये है बेटे हमारे पास क्वेश्चन। अब देखो हमें ये सिद्ध करना है बेटे, तो कैसे करेंगे, ध्यान देना जी जनाब। अब ये सूत्र होता है, इसे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या, किसी भी सम चतुर्भुज के विकर्णों का जो मान होता है, यानी कि भुजा जो होती है, वो एक बटे दो विकर्णों के वर्गों के योग का अंडर रूट होता है, यानी कि वर्गमूल दोनों विकर्णों के वर्गों का योग। ऋतिक आता है, अच्छे जी बताएंगे जब बोर्ड में नंबर लाएंगे। देखिए आप इसका स्क्वायर कर दीजिए बेटे, कितना आया, ए बी का स्क्वायर 1/4 इंटू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, राइट, ये है बेटे इक्वेशन नंबर एक। हमने सूत्र लिखा ए बी इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट दोनों विकर्णों का वर्गों का योग, राइट, दोनों का, हाँ। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करा, स्क्वायर हुआ ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट, यस सर, हाँ आप समझना जरा वंश राठी जी, हाँ समझ लेंगे जरा। अब हम ज्ञात करेंगे बेटे बी सी, अब सिमिलरली लिख देंगे बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो विकर्ण तो ये दोनों ही रहेंगे ए सी और बी डी, तो इसमें भी यही आएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, नंबर दो इक्वेशन। अब सी ए बी बी सी सी डी, सी डी का स्क्वायर 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, नंबर तीन इक्वेशन। उसके बाद आया डी ए का होल स्क्वायर 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फोर है बेटा ये। देखिए पहली इक्वेशन
हमने सूत्र से ज्ञात करी है। तो ए बी बराबर जो होती है, एक भुजा जो होती है समचतुर्भुज की, 1/2 अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर होता है। देखने में हर क्वेश्चन बटे आसान लगते हैं, लेकिन जब हमें ये पेपरों में करने होते हैं अतुल राजपूत जी, तब इनमें परेशानियाँ आती हैं। हर चीज़ देखने में इजी लगती है, हाँ बहुत इजी। तो हमें ये सूत्र याद होना चाहिए, इससे हमने ए बी का मान निकाला, वर्ग कर दिया। वर्ग करने के बाद इसी तरह बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए, तीनों भुजाओं का मान निकाल लिया। अब हम इनको प्लस करेंगे, सबको प्लस करने पर क्या आया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो ले लीजिए कॉमन सब में से, जब हम 1/4 कॉमन लेंगे तो देखो ए सी कितने हैं हमारे पास, एक तो ये रहा 1, 2, 3, 4। बी डी कितना है, 1, 2, 3, 4। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो डायरेक्ट कर दीजिए, बार बार इन्हें ए सी बी डी ना लिखें। हाँ अब हमें दिखाई दे रहा है 1/4 तो कॉमन आ रहा है, और यही टर्म हमारे पास चार बार है, तो ए सी भी चार है और बी डी भी चार है। तो यहाँ लिख दीजिए 4 AC² + 4 BD² ये हमने लिख दिया। चार ही तो टर्म हमारे पास कौन सी है, ए सी, और चार ही टर्म कौन सी है ऋतिक पाल जी, ऋतिक जी ओके सर, अच्छा अच्छा जानता हूँ मैं सब। अब इसमें से 4 तो ले लीजिए कॉमन, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉमन, तो 4 कॉमन लेके 4 तो कैंसिल हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था कि किसी भी समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। समचतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब एक बात देखो, समचतुर्भुज का मतलब समान चार भुजा, समचतुर्भुज मींस वन, ये बेटे आंसर होता है अभी बता रहे हैं, वही आपकी रीति की आपके जवाब दे रहे हैं वंश राठी जी, आपकी बात का जवाब दे रहे, आप सोच के बैठे रहे, हम आपको यही बता रहे हैं अभी जो मैं बोल रहा हूं। समचतुर्भुज आपने सुना नहीं अभी, समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, 1/4 स्क्वायर करा बेटे यहां हमने, 1/2 का स्क्वायर, 1/4 ही तो होता है, तो हमने किया है इसका स्क्वायर। अब हम इस सूत्र के बारे में बता रहे हैं कि ये सूत्र कहां से आया कैसे आया। देखिए समचतुर्भुज ये प्रूफ हो गया हमारे पास, अब क्या कर रहे हैं हम इसमें, जो हमारे पास रिजल्ट है, इस रिजल्ट में यदि समचतुर्भुज समान चार भुजा, कहते हैं ना समान चार भुजा, तो हमें इस फार्मूले को बताना चाह रहे हैं आपको, जिस बात को आप अभी कह रहे हैं वही मैं खुद बोल रहा हूं। समान चार भुजा तो इसका मतलब हुआ ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। यदि चारों भुजाएं समान हो तो हम लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, चारों भुजाओं के प्लेस पे ए बी आ गया, ठीक। गुड मॉर्निंग बेटे, हाँ ए बी स्क्वायर ए बी सी स्क्वायर सी डी डी ए स्क्वायर आ गया, बराबर किसके इक्वल आया, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। चूंकि ये तो हमने प्रूफ कर लिया, अब देखो हम वो फार्मूला प्रूफ करें जो हमने आपको सबसे पहले बताया, 1, 2, 3, 4 ए बी कितने होंगे, 4 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। वो फार्मूला बताना चाह रहे हैं आपको जो हमने सबसे पहले लिखा था, हाँ कि ये कहाँ से आया वही बता रहा हूँ बेटे प्रूफ करके आपको। अब हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी बेटे, सभी भुजाएं समान है, समचतुर्भुज की चारों भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। इससे ए बी की वैल्यू फाइंड करो स्क्वायर की, तो 1/4 तो इधर आ गया, ये हुआ ए सी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर लिख दिया हमने, ठीक है। हाँ अब इससे ए बी की वैल्यू फाइंड करना कितनी आई, 1/2 अंडर रूट करेंगे जब 4 का, तो 1/2 हो गया राइट, हाँ 1/2 अंडर रूट, देखो आ गया नहीं आ गया आपका बी डी स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है बेटे, इसे याद कर लीजिए आप, ठीक।
आ गया आपका प्रूफ, आपका फार्मूला भी प्रूफ हो गया जो हमने इसमें अप्लाई किया था, और आपका आंसर भी आ गया जो हमने आपको सबसे पहले लिखा था कि चारों भुजाओं का योग, वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे पहले हमने क्या किया, ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, इस फार्मूले का स्क्वायर किया, ए बी का मान निकाला स्क्वायर का, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए, और जब हमने चारों भुजाओं के वर्गों का योग निकाला तो फिर उनको प्लस किया, प्लस करने के बाद हमारे पास ए सी आए चार, बी डी आए चार, चारों ए सी और बी डी में से चार कॉमन लेके चार से चार कट गया, तो हमारे पास आंसर आ गया था ये। यस यस बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो याद रखना ये कि किसी भी समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये थ्योरम बेटे याद रखनी होती है। हाँ नेक्स्ट आ जाइए, अब इम्पोर्टेंट और चलते हैं। चलो एक थोड़ा क्वेश्चन अलग टाइप का बताते हैं आपको, देखते हैं आपको याद है नहीं है, आंसर भी बहुत जल्दी बताना, आप कितनी जल्दी बताएंगे, है ना, बता देंगे, देखते हैं। ये बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है बेटे, हाँ आपकी एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है ये। ये कह रहा है दो हवाई जहाज हैं हमारे पास, दो हवाई जहाज एक पॉइंट से उड़ते हैं बेटे। क्वेश्चन अच्छा सवाल है, अलग सवाल है बेटे। दो हवाई जहाज एक अड्डे से उड़ते हैं और 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ते हैं एक। अब एक तो उड़ता है कौन सी डायरेक्शन में, कहता है इसी समय प्रति घंटे की चाल से उत्तर की ओर, यानी कि ये तो आया 1000, पता है आपको ऊपर की तरफ कौन सी साइड होती है, उत्तर, और ये पश्चिम की ओर बेटे 1200 किलोमीटर की स्पीड से, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये उड़ा 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर में और ये पश्चिम में। तो ये कह रहा है डेढ़ घंटे के बाद इनका डिस्टेंस बताओ कहाँ पर होगा, ये ए मान लीजिए, ये आप मान लीजिए सी, और ये मान लीजिए बी, ये पहला है ना ए बी सी, तब यहाँ आए। तो ये कह रहा है एक डेढ़ घंटे के बाद बताओ ये कहाँ पर होंगे, समय दे रखा है इन्होंने हमें कितना, डेढ़ घंटा, और डेढ़ घंटे का मतलब क्या हुआ, एक सही एक बटे दो। नंदलाल पटेल जी यस सर, अलग सवाल है ना, इम्पोर्टेंट बात है बेटे, देखो कितना हुआ, दो इकन दो और एक तीन बटे दो, इतने घंटे हैं राइट, ठीक है। अब देखो हमें इन्होंने क्या दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे रखी है और हमें समय दे रखा है। तो आपने सूत्र पढ़ा कोई क्या, V इज इक्वल टू एस अपॉन टी, और एस कितना होता है V इंटू टी, यानी कि दूरी बराबर चाल गुना समय। तो हम पहले के लिए लिखेंगे बेटे, वी वन वाले के लिए दूरी कितनी हुई, दिस मीन्स ए बी, ए बी दूरी कितनी हुई, पहले वाले के लिए लिखेंगे हम दूरी कितनी है, तो दूरी बराबर अभी आपको बताई क्या, चाल गुना कितना समय। अब चाल स्पीड कितनी है हमारे पास, 1000, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्पीड हमारे टाइम कितना दिया है डेढ़ घंटा, तो डेढ़ घंटे का मतलब कितना हुआ, तीन बटे दो, तो तीन बटे दो, दो से इसको काटो बटे, ये आया कितना 500 गुना तीन 1500 राइट, इतने किलोमीटर डेढ़ घंटे में वो इतने किलोमीटर पहुंचा। अब हमें क्या चाहिए दूसरे वाले के लिए, ये 1200 किलोमीटर की स्पीड से उड़ रहा है, तो फिर लिखेंगे हम AC बराबर डिस्टेंस, AC इज इक्वल टू कितना हुआ 1200 गुना दूर, ये तो आ गया हमारे पास चाल, समय कितना है तीन बटे दो, चलो जल्दी से करके आंसर बताओ इसका, ये कितना आया हमारे पास 600, तो 600 गुना तीन बराबर कितना 1800 किलोमीटर, ये तो पहुंचा बेटे डेढ़ घंटे में 1800 किलोमीटर एसी, और ये पहुंचा डेढ़ घंटे में कहां पर 1500 किलोमीटर के डिस्टेंस पर राइट, हाँ वो तो हुआ कितनी दूर पहुंचा हमारे पास 1500 किलोमीटर की दूरी पर, और ये पहुंचा 1800 किलोमीटर की दूरी पर। अब वो कह रहा दूरी तो हमें पता चल गई, हमें तो परिणाम ही चाहिए, तो परिणाम ही मीन्स बी सी, हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए एक घंटे के बाद कहां पर पहुंचा, तो बी सी बराबर इज इक्वल टू अंडर रूट
समकोण त्रिभुज है ना, हाँ, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब आ जाइए जी, ए बी स्क्वायर कितना हुआ, ए बी मीन 1500, 1520 होल स्क्वायर, ये कितना है 1800 होल स्क्वायर। बताओ कितना आया जल्दी, 1800 1500 का स्क्वायर करके बताओ कितना आया। अब 1500 का स्क्वायर का मतलब कितना हुआ, 1500 का 15 का कर लीजिए, 15 कितना होता है 225, कितनी जीरो है दो, चार जीरो कर दीजिए इसके आगे, प्लस 18 × 18 324 होता है बेटे, और गुना कितना चार जीरो लगा दीजिए, राइट। दोनों को जोड़ो, जोड़ो जल्दी कितना आया, BC = टाइप करने में तो बहुत तेज हो ना तुम सब, जोड़ दीजिए जल्दी से कितना आया, कितना आएगा पता है 549 9 और कितना 40, राइट। अब हमें चाहिए BC = तो इसका वर्गमूल चाहिए बेटे। अब वर्गमूल के लिए इसका देखो 40 तो अलग कर दीजिए, ये तो आ गई हमारे पास 40 गुना 9 आएगा, गुना 61 आएगा बेटे, ठीक है। हाँ, 9 × 61 × 40, ठीक। अब सोल्व करो, जब इन संख्याओं की मल्टीप्लाई करोगे बेटे इतना ही आएगा, 40 तो हमने अलग कर ली इसमें से ये, और 549 दिस मीन्स 9 × 61 कितना है बेटे 9 × 61, राइट। अब इसका वर्गमूल निकाल लो बस, BC = देखो 40 है ना, ये तो आ गया 100 आपका, 9 का कितना होता है 3 और 61 का होता नहीं, अभी पॉइंट में हमें फाइंड नहीं करना बेटे, तो BC = आया 300 × √61, इतने किलोमीटर होगा डेढ़ घंटे में, डेढ़ घंटे में इतनी दूर पहुंच जाएगा, अलग सवाल है ना। हाँ, 5 9 400 नहीं बेटे नहीं, 549 आएगा, 549 आएगा, जोड़ो सही से जरा इसको ठीक से। हाँ, एक बार दोबारा समझ लीजिए बेटे, अच्छा सवाल है। देखिए ये कह रहा है, एक हवाई जहाज एक बिंदु से उड़ता है बी की ओर, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, और ये दूसरा वाला ए से सी की ओर जाता है पश्चिम दिशा में। अब आपको ये पता होना चाहिए पूरब पश्चिम किधर होते हैं, ये पता है ना, हाँ, ये नॉर्थ होता है और ये होता है ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। हाँ, आपको पता है ये, तो चलो ए बिंदु से उड़ता है बेटे ये, तो ये 1200 की स्पीड पे सी पे पहुंचा, ये 1000 की स्पीड से बी पे पहुंचा, आगे ना समझ में। हाँ, अब देखो इन्होंने दिया है डेढ़ घंटे में कहां पर होगा, डेढ़ घंटे में ये कहां पर होगा, तो डेढ़ घंटा समय दिया है, ये इन्होंने चाल दे रखी है, तो हमें पता है दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, तो हमने इसमें बेटे फार्मूला लगा दिया, चाल गुना समय, चाल 1000 × 3/2, 500 × 3 सोल्व किया 1500 आया, दूसरे के लिए 1200 × 3/2, 2 से काटा 6, 1800 किलोमीटर, फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर, दोनों को प्लस किया, प्लस करके 549 और कितना आया 40। अब हमने क्या किया, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसका स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, तो हमने इसको ब्रेक करा है बेटे, तोड़ा है, कैसे तोड़ा है, 40 एक के सामने वो तो अलग लिख दिया हमने, इंटू 9 × 61, 61 को तो हमने अंडर रूट में रखा, 9 का 3 आ गया, और इसका आपको बताइए कितना आएगा, 40 है ना, 20 बाहर आ जाएंगे, तो 100 × 3 300 √61 किलोमीटर होगा डेढ़ घंटे में, बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब आपके लिए एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ, ठीक है ना। हाँ, उन्हें करना जरा, नमस्ते, गुड इवनिंग में करते लगे रहते हो, बस क्वेश्चनों को लिख लिया करो जरा। हाँ, लिखते रहते हैं बेटा, लिखने से ही आपकी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस करने से ही आपके मार्क्स आएंगे, जब आप लिखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मार्क्स कहाँ से आएंगे, ठीक है ना, ठीक। हाँ बेटे, इम्पोर्टेंट एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटे आपके लिए छोटा सा, चलिए
इसी तरह का एक क्वेश्चन और बताओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये कहता है सड़क के आर पार दो मंदिरों की ऊंचाई, एक तो है हमारे पास 18 मीटर और एक की ऊंचाई है 10 मीटर, जल्दी बताएं करके। हाँ, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर, तो कह रहा है दोनों की चोटियों के बीच का डिस्टेंस बताओ। ये है हमारे पास 18 और ये गिवन है हमें 10, तो कह रहा है दोनों की चोटियों के बीच का डिस्टेंस बताओ। करो कैसे करेंगे, देखो ये हमारे पास कितना है, नाम लिख दीजिए कुछ भी जो आपकी मर्जी हो, ए बी सी डी और ये ई अपने पास है। देखो ये 6 है तो ये कितना होगा, ये भी 6 हो गया। ठीक, अब आ जाओ उधर, कितना हमारे पास ये 18, ये टोटल डिस्टेंस जो है हमारे पास, हाइट जो है 18 है और ये कितनी है 10, ये यहाँ से यहाँ तक 10 है बेटे, तो 18, तो ये कितना बचा हमारे पास 8, समझ में आ गया होगा, टोटल 18, 10 ये है हमारे पास, तो ये कितना बचा 8, ये कितना है 6, तो ये भी 6 होगा, क्योंकि इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी हमारे पास ए बी जितनी है उतनी हमारे पास क्या है ई सी है बेटे, ए बी इज इक्वल टू कितना है ई सी है। हाँ, और ये हमें पता ही है ए इक्वल टू कितना है 10 दे रखा है इन्होंने, तो बी सी के ये इक्वल है और टोटल हमें पता ही है 18 है, तो उसे माइनस कर लिया। अब ये कह रहा है ये डिस्टेंस बताओ, ई डी इज इक्वल टू अंडर रूट, पता है आपको क्या लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी ना। हाँ, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, सोल्व करो कितना आया, बड़ी जल्दी लिख देते हो, मुझे लगता है आंसर देख लेते हो। ED इज इक्वल टू अंडर रूट 6, 36, 64 इज इक्वल टू कितना हुआ 100, कितना आया 10 सेंटीमीटर। हाँ ऋतिक, बड़ी जल्दी लिख देता है, आंसर देख लेते हो मुझे लगता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। तो ये कह रहा था कल सर, गुस्सा आ रहा है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सवाल है ना, दोनों नहीं मिलेंगे आपको कहीं। एक और क्वेश्चन आपके लिए बहुत छोटा सा, जल्दी से देखिए। ये कह रहा है एक संभाव त्रिभुज है हमारे पास, संभाव त्रिभुज है हमारे पास, एक संभाव त्रिभुज जानते हो क्या होता है। क्वेश्चन, ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये ए ये बी ये सी, कहता है संभाव त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है, ये भी 2a, ये भी 2a और ये भी 2a, तो कह रहा है इसके शीर्ष की लंबाई ज्ञात करो, प्रत्येक शीर्ष की हमें ये डिस्टेंस बताना है बेटे, इसका AD फाइंड करना है। ऐसे ही हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, ये भी फाइंड कर सकते हैं, तो ये AD पूछ रहा है, फाइंड करो AD कितना होगा। ठीक है, देखो बताओ जल्दी से करके इसका आंसर, देखते हैं तुम कितने इंटेलिजेंट बनते हो। ठीक है सर, AD, अब आ जाओ ट्रायंगल में, ये डिस्टेंस देखो कितना है टोटल 2a, तो ये हमारे पास मध्य बिंदु है D, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ A और A हाफ हाफ हो गया दोनों, ये भी A है ये भी A है, ये हमें पता है। तो ट्रायंगल ए बी डी में ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट, ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट, समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगा दो, 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, सोल्व करो ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, कितना आया 3 ए स्क्वायर, अंडर रूट ए बाहर आ जाएगा, अंडर रूट कितना बचा 3, तो हमारे पास इसकी जो हाइट है बेटे वो कितनी आई ए अंडर रूट 3। अब इसमें सवाल में गलती क्या करते हैं बच्चे, बहुत मिस्टेक करते हैं, मैंने लिख दिया आपने लिख लिया समझ में आ गया। देखो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट देते हैं, ये क्वांटिटी बेटे पूरी एक है, ये एक अलग है, तो ये दोनों क्वांटिटी, ऐसा नहीं कि ए स्क्वायर अरे स्क्वायर को कैंसिल करो 4 बचा के 2 ले आते हैं बहुत जल्दी, ये टोटल क्वांटिटी एक है, तो 4 ए स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर का मान से माइनस हो जाएगा,
तो फोर में से वन माइनस करेंगे थ्री बचेगा। एक बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं इस क्वेश्चन में, जब वो टू ए का स्क्वायर लिखेंगे तो टू का तो नहीं करते और ए का कर देते हैं, तो यहाँ पे मिस्टेक करेंगे बेटे। ध्यान देना, ये छोटी छोटी मिस्टेक जो होती है इनसे हमारे मार्क्स कटते हैं, समझ में आया? हाँ, जब स्क्वायर करेंगे इसका तो फोर ए स्क्वायर लिखेंगे, टू ए का स्क्वायर, ये नहीं, या तो टू का कर देते हैं ए का छोड़ देते हैं, और या ए का कर देंगे टू का छोड़ देते हैं, तो इनके स्क्वायर करने पे ध्यान देते हैं। हाँ, जो भी फार्मूले आपको बता रखे हैं उनको जरा ध्यान देना, कल को आपको होमवर्क दूंगा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का, हाँ थोड़े से, और पढ़ लिया करो जरा, थोड़ी सी रिविजन कर लिया करो, ठीक है। गुड इवनिंग बबलू जी, बहुत देर में आए हो बाबू खान। हाँ, गुड आफ्टरनून नहीं होता अभी, हाँ एक गुड इवनिंग।